a quiet period of play at the moment. The Indians trying to recover Sumit, from the double blow. आज आलिया को फिर से क्लास से बाहर निकाल दिया. हमें उसकी टीचर से मिलना चाहिए. माया, मैं अपनी बेटी आलिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन 3 ओवर के बाद. यार माया. For the next delivery around the wicket, bans one in short, but Virat just gets out of the line, lets it go away towards the wicketkeeper. Will be a short ball. Walker trying to create an angle against the right hander coming round the wicket. He's sure the blend delivery isn't ideally targeted. Moving away from the right hander, Virat dropping his wrists and letting the ball through. मैं थोड़ा सा हट जाऊँ ना, बिल्कुल टीवी के सामने खड़ी हुई हूँ. क्या हुआ? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? मैं क्या करता? मैच तो वो लोग खेल रहे हैं. मेरे गले में कुछ अटक गया था सुमित, मैं सांस नहीं ले पा रही थी और तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो. तुम इतना शोर मचा रही थी क्योंकि मेरी जान जा सकती थी. इतना छोटा सा बीज तो अटका था और वो भी निकल गया. But it's not the time that's important, it's I'm sorry Maya, I'm sorry. मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी. वॉल्यूम बढ़ाने की बजाय. हाँ माया, तुम्हारी जान वाकई में थोड़ी ना खतरे में थी. और वैसे भी तुम्हारी जान तो मैं हूँ, मेरे होते तुम्हें क्या हो सकता है ना जान. टॉपिक मत बदलो सुमित, दिस इज सीरियस. मुझे पता चल गया है, इमरजेंसी में तुम किसी काम के नहीं हो. अरे ऐसे टाइम पे मर्द बन के मेरी रक्षा करनी चाहिए. मैडम, तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं मर्द नहीं हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता? याद है पिछले हफ्ते जब चूहा घुस गया था? उई माँ! एक घंटे तक चेयर पे खड़े रहे थे तुम. वो मैं आलिया को कंपनी दे रहा था. ओके, लेकिन इसमें मर्द बनने की बात कैसे आ गई? तुम्हें खांसी आ रही थी और बीज बाहर निकला है. बस. अच्छा, अगर कोई बड़ी चीज होती तो अगर सचमुच चोक होने का खतरा होता तो मैं वही करता जो मुझे करना चाहिए. क्या सुमित, किसी की सांस की नली में कुछ अटक जाए तो क्या करना चाहिए? अरे वही स्पेशल तरीके होते हैं ना, वो जो टीवी पे अंग्रेजी प्रोग्राम में दिखाते हैं, वो लाइफ गार्ड स्लो मोशन में भाग के आती हैं. सुमित, तुमने फर्स्ट एड टीवी से सीखा है? हाँ, बिकिनी वाले लाइफ गार्ड से? हाँ. और भाई क्या चल रहा है? भैया, किसी की सांस की नली में कुछ अटक जाए तो क्या आपको उसकी जान बचानी आती है? हाँ. क्यों, किसकी जान खतरे में? अरे ओए कैप्टन जीता, किसी की भी जान खतरे में नहीं है. अब नहीं है. माया, तुम्हारी श्वास नली में कुछ अटका था? हाँ भैया, और आपका भाई बैठ के सिर्फ देख रहा था. माया, आपातकालीन स्थितियों में मोनू किसी काम का नहीं है. इससे बेहतर है कि अपनी जान बचाने का तरीका खुद सीख लो. ओके भैया, क्या तरीका? बड़ी साधारण सी प्रक्रिया. अपनी मुट्ठी बनाओ, ये अंगूठा बाहर की तरफ रखो और अपनी श्वास. ये सब कुछ नहीं है माया, ये बेकार है. सुमित, तुम जाके टीवी देखो, मैं भैया से सीख लूंगी. ओके जानू. हेलो मम्मी जी. मोनू, कुछ खाएगा? नहीं, आज सुबह के संतरे से ही भूख मिट गई. सुबह से सिर्फ संतरा खाया है? माया भी ना. चल, 4-5 पराठे बना के देती हूँ. मुझे दे दीजिए. ले लीजिए. खोला क्यों? अभी तो बंद किया था मैंने. पागल, बैठ. Thank you.
नाराज है मुझसे। आज सुबह उसके गले में संतरे का बीज अटक गया, सांस रुक गई और मैंने उसकी हेल्प नहीं की। इसमें तेरी क्या गलती है? तूने बीज अटकाई थी। अरे मैं भी तो उसे यही कह रहा था, लेकिन माया कह रही थी कि वो चोक हो रही थी और मुझे मर्द बन के उसकी जान बचानी चाहिए थी। माया के नखरे बहुत है। हाँ मम्मी जी आप ही बताइए, अगर कोई इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति, तो सबसे पहले आप किसको बुलाएंगे? मुझे ना। किस टाइप की स्थिति? कुछ भी, अगर किसी की जान खतरे में हो या घर में कोई घुस आया हो तो। नहीं नहीं, तुझे बुला के क्या फायदा? सोनू को बुलाऊंगी, वो इस घर की रक्षा कर सकता है। पराठे के टुकड़े बना के दी। नहीं नहीं, सोनू को क्योंकि वो पुलिस में। तू उससे अपने को क्यों तोल रहा है? अरे वो मर्द है और तू मोनू है। अच्छा सोचो ना कि अगर वो घर पे नहीं है, हाँ तब तो आप सिर्फ मुझे बुलाएंगी ना? हाँ नहीं नहीं, सोनू के बाद मैं तेरे पापा जी को बुलाऊंगी। मुझे नहीं। तू तो मेरा मोनू है ना, और ये मोनू मुन्नू। पापा जी मुझसे बेटर ऑप्शन है। तुझे पता नहीं है पापा जी के खून में ना मर्दानगी है, शेर है शेर, रफ एंड टफ। फैमिली के लिए ना वो किसी से भी भिड़ सकते हैं। हाँ लेकिन आप ही तो हमेशा कहती हैं कि इन्हीं चीज़ों की वजह से आप पापा जी से इरिटेट होती हैं और आप मुझे ज़्यादा पसंद करती हैं क्योंकि मैं बाय नेचर स्वीट हूँ। हाँ मोनू, लेकिन स्वीट बच्चे चंबल के डाकुओं से लड़ नहीं सकते ना। अरे मम्मी जी, जीके में चंबल के डाकू कहाँ से आएंगे? डॉली क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? मेरा मूली का पराठा कहाँ है? लो लो आ गए आपके रफ एंड टफ, इनसे कौन डरने वाला है? उठ बे, ये मेरी कुर्सी है। अच्छा आपकी कुर्सी है, सॉरी है, सॉरी। अभी लाती हूँ। तो मम्मी जी मैं ये कह रहा था कि मैं भी टफ बन सकता हूँ। तू टफ? अबे रहने दे, वो तेरा चूहे वाला किस्सा सुना है मैंने। आलिया बता रही थी कि उसी ने तेरे को कुर्सी से उतारा। आलिया की बच्ची। अरे मेरे मोनू को मर्द बनने की क्या जरूरत है? कितना प्यारा है वो, जो भी देखता है ना उनका दिल पिघल जाता है इसे देख के। अबे सुन रहे हैं, सीनियर सिटीजन में क्या पॉपुलैरिटी है तेरी है? पापा जी मजाक मत उड़ाओ। हाँ अच्छा क्या करेगा बे? रहने दो, आप मेरा गुस्सा नहीं जानते हो। मम्मी जी आपको याद है ना स्कूल में मैं कैसे सस्पेंड हो गया था? वो दीपक चौटाला, उसके पेट में ये घूसा मारा था, चिढ़ा रहा था मुझे, मैंने भी दिखा दिया उसे। मेरा फाइटर मोनू। अच्छा वो दीपक तो उस वक्त 10 साल का था और तू 12 साल का, और जहां तक मुझे याद है उसका नाम दीपक नहीं दीपिका था। हाँ मुझे भी कुछ याद आ रहा है। हाँ। 10 साल की बच्ची को तूने पंच मारा था और उसने बदले में ना जोड़े से तुझे गिराया था, धड़ाम से। पापा जी ठीक है बस आज हो ही जाए। आइए पंजा फाइट। हाँ हाँ रेडी गो। एक मिनट वन टू थ्री। पापा जी देखिए मैं आपको हरा रहा हूं। अबे मेरा ध्यान नाश्ते पे था, अभी ठहर जा। जसबीर वालिया दा ग्रेट। अबे कितनी बार तेरे को समझाया है, बंदा देख के पंगा लिया कर, ये टीवी रिमोट वाला हाथ है, चैनल बदल बदल कर मजबूत बनाया। पापा जी राउंड टू।
अरे कहाँ जा रहा है, पराठा खाता जा। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना पराठे। कौन से हाथ से खाएगा पराठे? जीटू भाजी एक गल दसो। हाँ जी। अगर किसी के गले में कुछ अटका है और उसकी सांस रुक गई है तो आप क्या करोगे? लो जी करना क्या है, 5% डिस्काउंट दे दूंगा बस। सुमित आजा बैठ बैठ। आजा भाई। वो आज हमने ना वेजिटेरियन कोरमा मंगवाया है यार। मैं हमेशा से ना ये जानना चाहता था कि वेजिटेरियन आपके टेस्ट में होता कैसा है। तू खाएगा? नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। तू यहाँ पे भी फैंसी ड्रेस पे आ गया? ड्यूटी से आयो अभी सीधा, और इसे फैंसी ड्रेस मत बोल, सरकार देती है वर्दी जनता की रक्षा करने के लिए। बड़ा आया, मैं अपने घर की रक्षा ना खुद कर सकता हूँ, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। वो मोनू का मूड खराब है आज, क्योंकि वो अपनी बीवी की जान नहीं बचा पाया ना इसलिए। भाई वो मरी नहीं है। मोनू जी आपके लिए कुछ लाऊं? नींबू पानी। नींबू पानी? नींबू तो खत्म हो गए हैं, संतरे ले आऊं बीज निकाल के? मेरे लिए सीधा सीधा पानी ले आओ। वरना क्या? हाँ वरना क्या, पंजा लड़ाएंगे मेरे साथ। ये बात यहाँ तक कैसे फैल गई? पापा जी आए थे लंच करने के लिए, जीतो तड़का में लाउडस्पीकर लगा के सबको कहानी सुना गए, और क्या। पापा जी ना चीटिंग करके जीते थे, ओके पूरा बॉडी वेट डाल दिया था, और मुंह से जो मूली की आंधियां निकल रही थी वो अलग। बड़ा आया मोनू रफ एंड टफ, अपने बाप को हराएगा? तू जानता नहीं है मुझे, समझा? मैं बस इतना जानता हूँ कि तू एक 65 साल के सीनियर सिटीजन से पंजे में हार गया। और ये कि तू अपनी बीवी की जान की रक्षा नहीं कर सकता। तुम लोग ना एक 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 बीच का पतंगड़ बना रहे हो। क्यों? अबे रजनीश सही तो कह रहा है, अब कैसा मर दे तू, हैं? तेरी छाती में बाल आएंगे नहीं, हैं? हैं? बताओ। उस संभाल के लस्सी में गिर जाएंगे। बे हर मर्द की ना ये ड्यूटी होती है अपने बीवी बच्चों की रक्षा करना, उनके लिए सारी दुनिया से लड़ जाना। बेचारी माए, काश उससे शादी करने से पहले मुझसे मिली हो। भाभी के बारे में ना नाप शनाप बात नहीं, और वैसे भी तू उसके टाइप का मर्द नहीं है। क्यों, मेरी छाती पे बाल कम है? नहीं यार, माया को स्वीट टाइप के लोग पसंद है, अपने सुमित की तरह। मैं स्वीट नहीं हूँ। ओ मेरे यार, तू तो सबसे बड़ा स्वीट है, और तू खुश रहे। और वैसे भी आजकल तेरे जैसे बंदों का जमाना है भाई, फिल्मों में भी देख लो, धर्म पारी जैसा गबरू नहीं, क्यूट सा रणबीर कपूर चाहिए। नहीं नहीं, और हम ठहरे बच्चन टाइप। यस, एंग्री यंग मैन। हाय हाय, मैं भी हेरी यंग मैन हूँ। छाती पे बाल नहीं तो क्या, दाढ़ी तो है। है तेरी दाढ़ी? हाँ लेकिन तू चूहों से डरता है ना। अबे उसकी तरफ क्या देख रहा है, आलिया ने बताया। आलिया की बच्ची। मान ले मोनू कि तेरे घर में अगर कोई असली में मर्द है तो वो माया है। बिल्कुल, सबका ख्याल वही रखती है। तुम वेले लोग ना यही फिजूल की बातें करते रहो, लेकिन असली मर्द मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास घर है, बच्चे हैं, बीवी है, एक अच्छी खासी नौकरी है। तुम लोगों के पास क्या है, हा? क्या है तुम लोगों के पास? मेरे पास? छोड़ यार, माँ भी इसी के पास आई। Exactly, boy. Exactly. और मैं औरतों से पंजा नहीं लड़ा। ओ, मैं भी। अरे माया मुझे दे दो, मैं रख देता। अरे कोई बात नहीं, नहीं मैं रख देता ना। इसे कहाँ रखना है? यहाँ। माया, तुम्हें आज किसी ने छेड़ा तो नहीं ना? नहीं, क्यों? हाँ, अगर छेड़ता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। तुम्हें हो क्या गया है सुमित? कुछ नहीं, मैं इस घर का मर्द हूँ ना,
तो सब कुछ पता होना चाहिए मुझे। वो तो है माया, ये अखबार वाले, ये धोबी, ये तुमसे बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रहे ना? नहीं, क्यों? अगर मांगते तो मैं इनका मुंह तोड़ देता। बहुत मुंह तोड़ने का चस्का लग गया। हाँ, सॉस की बोतल कहाँ है? अरे पूरे पैसे दिए थे। सॉस नहीं दिया? ऐसे कैसे नहीं दिया? मिल गई। मिल गई? ऐसे कैसे मिल गई? मैं तो दुकानदार का मुंह तोड़ने जा रहा था। थैंक गॉड मिल गई। वो तो उसका नसीब अच्छा है कि वो ईमानदार निकला। ओके ग्रेट सुमित, अब हटो, मुझे स्टूल चाहिए। लॉबी में जो बल्ब है वो फिक्स करना है। मैं कर देता हूँ। अरे मैं नहीं, मैं कर देता हूँ। ये मर्दों वाले करती हूँ। अरे मर्दों वाले काम है, मैं कर देता हूँ। अरे इस बार मैं करता हूँ ना। अरे मुझे दो तो। क्या हुआ? लकड़ी का तिनका घुस गया। तिनका घुस गया, मैं निकाल देता हूँ। अरे रहने दो। नहीं नहीं, मैं निकाल देता हूँ ना, मैं मर दूँ। हाँ रहने दो ना सुमित। क्या? अरे मुझे आओ, क्या कर रहे हो तुम? चिमटा कहाँ है माया? हाँ हाँ माया, चिमटा कहाँ रखती हो बताओ? वो पीछे वाले ड्रॉवर में। अच्छा आओ। कौन से वाले ड्रॉवर में बताओ तो? ये वाले। एक सेकंड, ये चिमटा मिल गया। ये दो, हाथ दो। ये तुम्हें हो क्या गया है? माया माया अपना हाथ दे दो, हाथ दे दो। तुम्हारे पलक नहीं झपक रही है। मुझे डर लग रहा है सुमित। डरने की कोई बात नहीं है माया, अपना हाथ मेरे हवाले कर दो। नहीं दो ना, कभी नहीं। नहीं माया, ये तिनका तो मैं निकाल कर रहूंगा, फिर चाहे हम दोनों की जान क्यों ना चली जाए। ये क्या साइको डायलॉग बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं साइको हो गया हूँ। छोड़ो सुमित, मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो, बस एक मिनट के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। मम्मी जी, ये दिन का बाहर निकालना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि तुम्हारा भरोसा मुझसे चला गया है, उस बीच की वजह से। मामा सॉरी, शायद गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल चुकी हूँ। नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। ये आते, ये आते। सुमित सुमित सुमित, मेरी बात सुन। सुमित तुम एक अच्छे पति हो, अच्छे इंसान हो, अपने परिवार की देखभाल करते हो, हमें खुश रखते हो, हमें इतना प्यार देते हो। असली मर्द इसे तो कहते हैं, इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है? अबे ये पागल पर बंद कर दोगे? ठीक है, लेकिन पहले तिनका निकालूंगा। यस 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 यस, ये हुई ना मर्दों वाली बात। देख लिया तिनके, अगली बार अगर मेरी बीवी की उंगली में घुसा तो तोड़ दूंगा, समझा? मैं कहाँ जा रही हो? बैंडेज लगाने, खून निकल रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं नहीं। ओके वैसे भी खून देखकर मुझे थोड़ा फेंट फेंट सा होता है। मम्मी जी मैं बताता हूँ, गले में को झटकाओ तो क्या करते? ये वाली मुट्ठी ना? बिल्कुल। ये यहाँ? हाँ इसे पीछे से मुट्ठी बनाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ। क्या बात है, बिल्कुल सही पोजीशन है मम्मी जी, दबाइए। एक मिनट। किस टाइप की जनानी है तू? जान बचा रही है कि जान ले रही है? मैं पूरा जोर लगा रही हूँ, मेरे हाथ ही नहीं पहुंच रहा है।
हाथ भी तो छोटे छोटे हैं ना तेरे। मम्मी जी आप दबाते रहिए, ये बहुत साइंटिफिक तरीका है, होगा। चलिए साइंटिफिक तरीका, एक मिनट मैं दिखाती हूँ कैसे निकलेगा। निकल गया। ये क्या निकला? हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या वाकई आपके गले में कुछ अटका था क्या? गले में नहीं, दांत में, परसों की चुंगम। Bum 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 b